बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बैगन का भरता। बैगन का भरता बनाना बहुत आसान है। बैगन का भरता बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे 500 ग्राम बैगन लिया है और इसे हमने अच्छे से धो के बीच से कट्स लगा लिया है। बीच से कट्स लगा के तरीके से कट्स लगा लिया है ताकि चेक कर लें कि कोई कीड़ा उड़ा ना हो। और इसमें अब हम सरसों का तेल लगा लेंगे सब तरफ अच्छे से। और यहाँ पे हमने चूल्हा जला लिया, इसमें एक स्टैंड रख दिया है चूल्हा के ऊपर। और इसे अब हम बैगन को पका लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। देखें, दोनों बैगन हमने अच्छा सा रोस्ट कर लिया है और ये बिल्कुल अंदर अंदर तक गल गया है। अब इसे ठंडा होने देंगे, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, बैगन ठंडा हो गया है, अब हम इसे छील लेंगे। बहुत आसानी से ये निकल जाता है ठंडा। देखिए, हमने इसका सारा ऊपर का छिलका उतार लिया था और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे हमने कढ़ाई गरम कर लिया है, इसमें हम 4 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड करेंगे। बैगन का भरता सरसों के तेल में बहुत टेस्टी लगता है। अब ये ऑयल थोड़ा गरम हो जाए, फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। देखें, ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें 4 से 5 लहसुन की कलियां, इसको हमने चॉप कर लिया था, और अदरक इसको हमने कद्दूकस कर लिया था, और 1 चुटकी हींग इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। हमने 2 मीडियम साइज का प्याज लेके इसको चॉप कर लिया है। सारा प्याज इसमें ऐड कर देते हैं। बैगन के भरता में प्याज ज़्यादा जाता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 2 मिनट तक हल्का सा फ्राई कर लेंगे। देखिए, 2 मिनट हो गया है, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 2 टमाटर लिया है, इसको हमने मोटा मोटा करके काट लिया है। और यहाँ पे हमने 3 हरी मिर्च लेके इसको लंबे लंबे कट कर दिया है। सारे इसमें ऐड कर देते हैं और इसे मिक्स कर लें। ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। देखिए, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून सौंठ, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। सारे इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और 2 मिनट तक इसे भूनेंगे। चेक कर लेंगे। देखिए, मसाला अच्छी तरीके से भून गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की। अब हम इसमें बैगन ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लें। बहुत ही मज़े की बैगन की भरता लगती है, आप जरूर
जरूर ट्राई करें। अच्छे से मिला लें। देखिए इसे हमने अच्छे से मिला लिया था। अब हम इसे एक मिनट तक ढक देंगे, फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए हमने सर्व कर लिया है और ये बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ है। आप ज़रूर ट्राई करें। इसे आप रोटी, पराठे, चपाती किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।